टीआरपी रिपोर्ट्स आउट हो चुकी है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आखिर कलर्स में जितने भी शो आते हैं उसमें से नंबर वन शो कौन सा है और कलर्स की टीआरपी रेटिंग सीरियल्स के मामले में कैसी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ओवरऑल किसने बाजी मारी है, और ये रिपोर्ट देखकर आप लोग भी उतना ही हैरान होंगे क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में आप सबका फेवरेट शो नहीं है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। आप सबको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर फाइनली ऑफिशियल टीआरपी रिपोर्ट आउट हो चुकी है। जी हाँ, इंडिया फोरम्स ने इसको पोस्ट किया है और ये जो पूरी की पूरी टीआरपी है ये इसीलिए भी शॉकिंग है क्योंकि फैंस एक्सपेक्ट करते हैं जो शो वहां पर होना चाहिए, इस बार स्ट्रेंजली अनफॉर्चुनेटली वो शो यहाँ पर नहीं है। और मैं बात कर रही हूँ नागिन की। जी हाँ, नागिन की टीआरपी काफ़ी गिरी है और इसीलिए शायद टॉप 10 में भी ये शो नहीं आ पाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये रही मेरे पास ये लिस्ट, आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये सारे मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि किसकी टीआरपी कितनी है। सबसे पहले आपको बता दूं, नंबर 12 पर है खतरों के खिलाड़ी विद 1.5 टीआरपी, नंबर 11 पर है परिणीति विद 1.6 टीआरपी, नंबर 10 पर है सुपरस्टार सिंगर विद 1.7 टीआरपी, नंबर 9 पर है इस वक्त भाग्यलक्ष्मी, जी हाँ, विद अप्रॉक्सिमेटली 1.7 टीआरपी। उसी के साथ साथ नंबर 8 पर है विद 1.7 टीआरपी कुंडली भाग्य, जी हाँ, माफ कीजिएगा, कुमकुम भाग्य। उसके बाद आता है नंबर 7 पर बन्नी चाओ होम डिलीवरी विद अप्रॉक्सिमेटली 1.7 टीआरपी। फिर आती है इस लिस्ट में कुंडली भाग्य की टीम, जी हाँ, कुमकुम भाग्य का सेकेंड वर्जन आप इसे कह सकते हैं टेक्निकली। सो नंबर 6 पर है कुंडली भाग्य विद 1.8 की मैसिव टीआरपी। फिर आते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है एट नंबर 5 विद 1.8 टीआरपी। आप देख सकते हैं, वैसे अगर आप नोट कर रहे हो कि टीआरपीज काफी हद तक सेम है, दो तीन लोगों की 1.7 है, किसी की 1.8 है, लेकिन फिर भी एक फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के चलते ऊपर नीचे हो जाती है टर्म्स कई बार। इसी के साथ साथ इमली की टीआरपी है 1.9 विच इज अ गुड टीआरपी। फिर नंबर 3 पर आते हैं विद 2.0 टीआरपी जो कि है ये है चाहते। फिर नंबर 2 पर आते हैं, जी हाँ, नंबर 2 पर आते हैं विद 2.5 टीआरपी गुम है किसी के प्यार में। एंड नंबर 1 पर एज ऑलवेज द किंग ऑफ टेलीविजन शोज अनुपमा, रूपाली गांगुली का शो, जी हाँ, विद 2.8 टीआरपी। तो आप देख सकते हैं कि 0.3 का मैसिव डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में। एंड ये जो पूरी की पूरी टीआरपी का खेल होता है ये हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते परफॉर्मेंसेज होती हैं, फिर थर्सडे को रिपोर्ट कार्ड आता है। और इस बार का रिपोर्ट कार्ड ऐसा है, तेजरन फैंस थोड़े से अपसेट है तेजा ट्रूप्स क्योंकि नागिन इसमें नहीं है, लेकिन अगली बार शायद आ जाएगा। आपको क्या है कहना इस टीआरपी रिपोर्ट पर, बताइएगा।